सीएम हेल्पलाइन पर भैंस चोरी की शिकायत करना पड़ा भारी। दरोगा जी बोले, पहले शिकायत कटवाओ तब करूंगा कार्यवाही। कृषक दंपति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर दर्ज कराई शिकायत। शिवपुरी जिले के सतनवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कला सतनवाड़ा गांव से 26 दिसंबर 2023 की रात अज्ञात चोर गिरोह लोडिंग वाहन में भरकर एक कृषक दंपति की दो भैंसे और एक पड़िया चोरी कर ले गए। सुबह होने पर दंपति को चोरी का पता चला, जिसके बाद घटना की रिपोर्ट कृषक दंपति ने सतनवाड़ा थाना पुलिस को दर्ज कराई है। लेकिन सतनवाड़ा थाना पुलिस द्वारा दो दिन गुजर जाने के बाद भी जब पशु चोरी के इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की, तो कृषक दंपति ने इसकी शिकायत 181 सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज करा दी। कृषक दंपति का आरोप है कि अब दरोगा जी बोल रहे हैं कि पहले 181 सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत कटवाओ, जिसके बाद मैं कार्यवाही करूँगा। इससे परेशान कृषक दंपति गुरुवार को एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी से चोरी की गई भैंसों को बरामद करने की गुहार लगाई। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में नजर आए पशु चोर। जानकारी के अनुसार रानी नामदेव पत्नी महेश नामदेव निवासी ग्राम कला सतनबाड़ा ने एसपी ऑफिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि 26 दिसंबर 2023 की रात उसकी दो भैंसे और एक घड़िया घर पर बंधी हुई थी, तभी अज्ञात चोर आए और भैंसों को चोरी कर ले गए। घटना की रिपोर्ट सतनवाड़ा थाना पुलिस को दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। हमने खुद होकर मुड़खेड़ा टोल प्लाजा से पशु चोर गिरोह के वाहन का नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराया है, लेकिन पुलिस ने जब कोई कार्यवाही नहीं की, इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 पर दर्ज कर दी है। अब दरोगा जी बोल रहे हैं कि पहले 181 पर की गई शिकायत को कटवा दो, तब कोई पीड़ित कृषक दंपति ने इसकी शिकायत एसपी को दर्ज कराई है। क्या नाम है आपका? महेश नामदेव। कौन से गांव के हो? सतनवाड़ा। क्या घटना हो गई आपके साथ? क्या हो गया आपके? हमारी भैंस चोरी हो गई रात को 26 तारीख को। कितनी भैंसे थी आपकी? दो भैंस एक पड़िया। तो थाने में रिपोर्ट की थी आपने? सवेरे हमको मालूम पड़ा क्योंकि हमारी भैंस चोरी हो गई, तो हम सवेरे गए थे वहाँ से पे थोड़ा हमको जानकारी मिली कि वो भैंस को गाड़ी माड़ी में लाद के ले गया है। एक हमारे गांव का कह रहा था कि रोड पे गई हैं भैंसें, डेढ़ बजे फोन लगाया था, डेढ़ बजे गए थे। डेढ़ बजे के बाद में उसने हमको सूचना दी, तो हम थाने पर गए थे दोबारा। फिर वो साहब आए थे, उन्होंने जानकारी मिलाई थी। उसके बाद में हम टोल टैक्स पर गए हैं, तो वहाँ से हमको उसमें 2:41 पर हमको एक गाड़ी में भैंसा चमक रही हैं। गाड़ी का नंबर याद है आपको? गाड़ी का नंबर हमने ले लिया है और उसकी चिचेज नंबर और कुछ मोबाइल नंबर हैं उनके। नमीन वो नफीस कुरैसी के नाम से आ रहा है, उन्होंने साहब ने उनको सूचना दे दी है, लेकिन हमको अभी तक ना वो दो दिन हो गए आपकी भैंसों को पता नहीं लग पाया अभी तक, कोई पता नहीं पड़ा। आप क्या चाहते हो? आप हम चाहते हैं कि हमारी भैंस का जल्दी कार्रवाई होए और जो गाड़ी का नंबर है वही है, भैंसें या नहीं है उसकी जानकारी हमको दें।